2002 में बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फर्जी इनकाउंटर मामले में मुलजिम रिटायर्ड डिप्टी एसपी रणधीर सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसकी जानकारी एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने दी। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने रिटायर्ड डिप्टी एसपी रणधीर सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित किया है, जो साल 2002 में बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फर्जी एनकाउंटर मामले में मुलजिम है, जो अभी भी फरार चल रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर हाल ही में 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि बुलंदशहर एनकाउंटर मामले में आरोपी सिपाही और पुलिस अफसरों को पूरी मशीनरी बचाने में लगी है। सन 2002 में एक पुलिस मुठभेड़ सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हुई थी। उस प्रकरण में जांच CBCID के द्वारा की गई थी। जांच के बाद CBCID ने अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट किया था, लेकिन जो मृतक था घटना का, उसके पिता के द्वारा अदालत में प्रोटेस्ट करने के कारण अदालत के द्वारा ट्रायल प्रारंभ कर दिया गया और सबके सम्मन वारंट जारी किए गए। शुरुआत में 4 कर्मचारी जो उस घटना से संबंधित थे, उन्होंने अदालत से अपनी जमानत करा ली। 4 लोग पुनः गिरफ्तारी से बचते रहे। अदालत के द्वारा वारंट लगातार जारी होता रहा। हम लोगों के द्वारा 22 और 24 नौ को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 1 20 नौ को जो घटना के नामित अभियुक्त थे, जिनके वारंट जारी थे, उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। अभियुक्त रणधीर सिंह लगातार अपने को बचाते हुए छुपाते हुए भटक रहे हैं, तो उनके विरुद्ध 25,000 की पुरस्कार राशि की जो भी व्यक्ति उनके गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देगा उसे प्रदान किया जाएगा। बुलंदशहर से अनिल तोमर, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं।